अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। और जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि हमारी आज वापसी है यहाँ पे, टाइम तकरीबन तकरीबन 9:47 और पाकिस्तान में 10:47 हो गए हैं। और हमारे यहाँ से 2:40 पे फ्लाइट है आज जद्दा के लिए, जद्दा से लाहौर के लिए। और मैं वो सामान ला अपना यहाँ पर रख दिया, पैकिंग फुल तैयारी है, फुल रेडी है, खुद भी रेडी है। इंशाल्लाह आज 10 बजे के करीब करीब लाहौर पहुँच जाना है हमने। और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया था, एकदम अचानक से प्रोग्राम बना यहाँ पे, एकदम बुलावा आया सरकार की तरफ से। और अल्लाह ताला ने बड़ा करम फजल शुक्र किया है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि एक एक बंदा ना चीज़ को कितनी बड़ी ज़ियारत करवा दी, जिसकी मैंने कभी तोक्का भी नहीं की थी, ख्वाहिश थी लेकिन एकदम इतनी जल्दी से ये तोक्का नहीं थी। बाकी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हज के करीब बुलाया, अगले साल हज पे ही बुलाए इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ की है कि अल्लाह अपने हबीब, अपने और अपने हबीब के घर में भी हमें बार बार हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। अभी जस्ट टैक्सी का इंतज़ार हो रहा है, टैक्सी जैसे ही आती है वो हमें ड्रॉप करेगी जद्दा पे, इंशाल्लाह फिर वहाँ जा के आपको मिलते हैं। जी तो अभी टैक्सी वाला आ गए, सान चढ़ा हुआ सामान रखा है इस वजह से, तो अभी एयरपोर्ट जाके मिलते हैं फिर आपको। जी तो अस्सलाम वालेकुम, एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। वो देखे हैं, व्यू चेक कर रहे हैं आपके लिए उन्होंने स्पेशल, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखाना है, जाओ जुड़ाओ। खैर पहुंच गया, सामान रख दिया अभी और जमजम लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ टैक्सी वालों से, मैं फ्री हो लूँ देन फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हम ना जमजम मक्का से नहीं ले गए, जमजम हमने एयरपोर्ट से लेना है, पासपोर्ट देख के ना तो 8-8 हज़ार का जमजम दे देते हैं यहाँ। ये आप स्टॉल चेक करें, यहाँ से हमें जमजम मिलेगा, तो यहाँ से जमजम लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारी वो बोर्डिंग भी मेरा ख्याल ओपन है, लोगों को जाने दे रहे लेकिन हमें वो कह रहे कि आप चले जाएं। यहाँ से फिर जमजम रिसीव करते हैं, रिसीविंग है और वो एंट्री है, तो ये आप जमजम का स्टॉल देख लें। ओके फिर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग लेके मैं मिलता हूँ आपसे। एयर से आकर लगा हुआ है, बोर्डिंग कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बोर्डिंग लेके मिलते हैं। जी तो बोर्डिंग कार्ड ले लिए थे हमने, ये इन्होंने स्टॉल बनाया हुआ जमजम का, तो अभी ये जमजम हम मांग करेंगे, बैग मैंने अपने कलेक्ट करवा दिए। जी तो बोर्डिंग मैंने आपको बताया था हमने ले ली है, और ये इनका इमिग्रेशन प्रोसेस है, यहाँ से इमिग्रेशन करवाएंगे और फिर जाकर सीधा वेटिंग हाल जाने मैं इंतज़ार करेंगे, तो यहाँ से इमिग्रेशन प्रोसेस है। ये इन्होंने ज़िगज़ैग सा बनाया है। खैर चलें इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं। ओए ये देखें, यहाँ पे नई चीज़ देखी है मैंने कि यहाँ पे जूता उतार के ये भी हमें इमिग्रेशन पे ये दूंगा प्रोसेस, ये भी चेक करवाना, खुद यकीन करें पहली बार हुआ है। चलिए मिलते हैं आपसे। जी तो अभी मैंने इमिग्रेशन से फारिग हुए हैं, खुद को स्कैन करवाया, ये है जद्दा ड्यूटी फ्री, यहाँ से आप जो भी ले लेंगे ना आप पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ले हम क्यों, क्योंकि लें क्यों ये बताएं। ये वैसे ड्यूटी फ्री एरिया ऑल ओवर, सम वॉचेज एंड सम ग्लासेस एंड सम डिस्काउंट प्राइजेस। क्या हुआ मैम, फ्री जाना है? अच्छा, ये कुछ मेकअप्स की हैं, परफ्यूम्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखिए आप, ये कुछ डिस्काउंट पे लगा है, 20% ऑफ डिस्काउंट है, 60 रियाल का ये। इसी तरह ये कुछ हैं जो मेरे पास हाल बची है ना, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से चीज़ें उठा लेता हूँ। अच्छा वो सामने प्लेन नज़र आ रहे होंगे, मामा को मैंने बिठा दिया और वो वहाँ इंतज़ार करेंगे और मैं आपको यहाँ का ना ड्यूटी एरिया थोड़ा सा विज़िट पहले भी करवाया था, अभी थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ और कुछ ख़ास यहाँ पर। और ये चार्जिंग स्पॉट भी लगा हुआ है, तो चार्जिंग पर भी चेक करते हैं, कुछ पीते खाते भी हैं। हाँ वो
यहाँ पे भी इन्होंने आईफोन का स्टॉल लगा कर रखा हुआ है, मतलब आईफोन के ये ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पे भी अच्छी खासी आपको ऑफर्स मिल जाती हैं। ये 14 प्रो मैक्स है 4464 रियाल का। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेज हैं, ये देखें आप, कुछ प्लेस चीज़ें हैं, हैंड फ्रीज हैं, कनेक्टर्स हैं एंड कुछ एयरबड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट यूनिक सी चीज़ें हैं। ये आप विज़िट कर रहे हैं, इसी तरह कुछ प्ले टॉयज और सिमिलर इसी तरह वो देखें। फिर यहाँ पे चले जाते हैं, ये UBL के इतने अच्छे यहाँ पे क्वालिटी वाले ओरिजिनल हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, बहुत औसम। ये मैंने लिया है ये वाला ना, जो बहुत औसम है ये मैंने लिया। कुछ बैग्स और ये तंबाकू स्मोकिंग्स के लिए जो लोग करते हैं एंड सिमिलरली कुछ ये चीज़ें हैं, और ये खजूर डेट्स जो बोलते हैं, और ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ प्राइजेस हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे ऑफर्स भी मिल जाती हैं आपको, जो इतनी बुरी भी नहीं होती बना ले तो वो बड़ा फ़ायदे में रह जाता है। और बताता जाऊँ कि आपको यहाँ पे चीज़ें जो मिलेगी वो इम्पोर्टेड मिलेंगी, ये नहीं है कि लोकल में मेरे को यहाँ पे बात रखी है, इम्पोर्टेड ब्रांडेड मिल जाएंगी आपको यहाँ पे सारी। खैर ये था हमारा जिद्दा टूर, बोर्डिंग मिल गई है, तो यहाँ से अब हमारा टाइम है 2 बजे का फ्लाइट, अभी 12:45 में तो जोहर भी यहाँ पड़ेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, यहाँ पे यहाँ तक यहाँ पे वाईफाई किसी में मिली है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक यहाँ बना के अपलोड कर दूँ। और मज़े की बात यहाँ पे अलबैक भी है, तो आप देख रहे हैं अलबैक, लेकिन मैंने चेक किया है इसके रेट्स को कंपेयर किया है, जो अलबैक मक्का मदीना में उनके रेट बहुत मुनासिब हैं, यहाँ पे आपको 4-5 ज़्यादा महंगे मिल जाएंगे, बट नो इशू। ये हमारा यहाँ पे हम ये दो लेते हैं हम दियात और साथ वहाँ से अलबैक तेजी बर्गर लेते हैं, क्योंकि पुरकी भूख महसूस हो रही है। अब इसका बिल हम करवाते हैं वो स्टोर है वहाँ से बिल, और देन हम शूम कर दे जाएंगे। ओके फिर, यस ओके फिर, मुझे इजाज़त दें, इजाज़त तो नहीं, अब मैं यहाँ से अगला एक पार्ट टू शुरू कर लूँगा और यहाँ पे इसको अपलोड कर दूँ यहीं पे, ताकि जो है मेरे व्यूअर्स लाइक मेरी फैमिली वो देख सकेंगे, मैं पाकिस्तान वाला फिर इसी आगे पाकिस्तान जाके भेज दूँ इंशाल्लाह। फिर सी यू।